राजेश और शिवानी नया शादीशुदा जोड़ा था। वो दोनों हनीमून के लिए शिमला जाते हैं। वहाँ वे दोनों रहने के लिए एक होटल बुक करते हैं। अरे वाह, कितने सस्ते में मिल गया ये कमरा हमें। हाँ जी, देखो ना, यहाँ से बाहर का नज़ारा भी कितना अच्छा दिख रहा है। फिर दोनों घूमने निकल जाते हैं। घूमते घूमते शिवानी एक गुफा के पास पहुँचती है, जहाँ से अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कोई नई नवेली दुल्हन आ रही है। शिवानी आवाजें सुन के उस गुफा में घुस जाती है, जहाँ एक बरसों पुरानी आत्मा रहती थी। उस आत्मा को नई नई शादीशुदा लड़कियाँ बहुत पसंद थी। आओ आओ आओ, अंदर आओ। कितना अच्छा सेंट लगाया हुआ है तुमने। कौन है, कौन है वहाँ, कौन हंस रहा है? अंदर आ जाए। जैसे ही शिवानी और अंदर जाती है, आत्मा शिवानी पर कब्जा कर लेती है। कितना अच्छा लग रहा है, इंसानी शरीर की बात ही अलग है, पर मुझे सतर्क रहने की जरूरत है, वरना इसका पति मुझे पहचान लेगा। अरे शिवानी, कहाँ गई तुम? चलो होटल चले, शाम होने वाली है। हाँ जी, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। फिर दोनों होटल लौट जाते हैं रात होने पे। चलो शिवानी, नीचे चलते हैं, खाना खाने, तुम्हारा मन पसंद खाना ऑर्डर करेंगे। फिर दोनों नीचे डिनर टेबल पर जाते हैं। आज मैं चिकन खाऊंगी, कितने दिन हो गए। अरे शिवानी, तुम्हें क्या हो गया, तुम तो शाकाहारी हो ना? आज मेरा मन मुर्गा खाने का है, तेरा क्या चाह रहा है? राजेश डर जाता है और चिकन ऑर्डर कर देता है। चिकन देखते ही शिवानी बेकाबू हो जाती है और बुरी तरह से मांस खाने लगती है। कितना मजा आ रहा है, इतने दिनों बाद स्वादिष्ट मांस मिला है। शिवानी को बुरी तरीके से मांस खाता देख राजेश समझ नहीं पाता कि क्या माजरा है। फिर वे दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगर और करूंगी तो ये पहचान जाएगा कि मैं शिवानी नहीं हूँ, मुझे काबू करना पड़ेगा खुद पे। शिवानी अच्छे से बेड पर लेट जाती है, पर राजेश की हालत खराब हो रखी होती है। उसे बार बार शिवानी का वो डरावना चेहरा याद आ जाता है, जब वो चिकन खा रही थी। मैं सोफे पे सो जाऊंगा, तुम यहाँ आराम से बेड पे सो जाओ। फिर शिवानी लाइट बंद करके सो जाती है। राजेश भी सोफे पे सोने की कोशिश कर रहा होता है। तभी आधी रात बीतते ही डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है। अरे मर गया, अरे ये क्या मुसीबत गले डाल ली मैंने शादी करके, कितनी भयानक हंसी की आवाज आ रही है। राजेश की हालत खराब होने लगती है। राजेश जैसे ही लाइट जलाता है, शिवानी बेड से गायब मिलती है। अरे शिवानी, कहाँ गई तुम? शिवानी, शिवानी कहाँ हो? फिर राजेश बाथरूम का गेट खटखटाता है। क्या तुम अंदर हो शिवानी? राजेश को डरावनी हंसी की आवाजें जोर जोर से आने लगती हैं। फिर जैसे ही राजेश पीछे पलटता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। शिवानी उल्टे हाथों के बल ऊपर चल रही होती है, यानी सर नीचे पैर ऊपर। शिवानी के मुंह पे खून ही खून लगा होता है। खूनी आत्मा शिवानी पे पूरी तरह कब्जा करके अपना रूप दिखाती है। अरे शिवानी, ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो, तुम्हें हुआ क्या है? शिवानी, मुझे बहुत डर लग रहा है, सीधी हो जाओ। अरे मैं तो सीधी साधी हूँ। चिंता नहीं करो, बहुत जल्दी मैं तुम्हें भी अपनी तरह बना लूंगी, फिर तुम भी मेरी तरह सीधा चल पाओगे। इतना कहते ही शिवानी उड़ के छत पे उल्टा चिपक जाती है। शिवानी को ऐसा देख राजेश को तो मानो 440 वॉट का करंट लग गया हो। अरे भागो, अरे भागो, बचाओ बचाओ, कोई है मेरी मदद करो, ये शिवानी तो चुड़ैल बन गई है, मेरी पत्नी चुड़ैल निकली, बचाओ
बचाओ कहकर राजेश भागना शुरू करता है। अरे भागो रे भागो, उनके राजेश के पीछे पीछे पहुंच जाती है। भागते भागते राजेश होटल के बाहर निकल जाता है और बाहर एकदम सुनसान होता है। बर्फ गिर रही होती है, तेज तेज हवाएं चल रही होती हैं। इतनी भयानक रात राजेश ने पहली बार। अरे कहाँ तक भागेगा, जहाँ भी जाएगा मुझे ही पाएगा। मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरी जान लेना चाहती हो। भागते भागते राजेश उसी खूनी आत्मा की गुफा में घुस जाता है और एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है। शिवानी भी उड़ते उड़ते उसी गुफा में आ जाती है। अरे मूर्ख, ये तो तू खुद मेरा शिकार बनने आ गया, भाग के आया भी तो मेरे ही घर में। अरे मर गया रे, आज तो मैं ये खूब शादी रचाई मैंने, आसमान से गिरा तो खजूर पे अटक गया आके, भगवान रक्षा करो मेरी। समय है खुद ही निकल कर बाहर आ वरना बहुत बुरी मौत दूंगी। पर राजेश कुछ नहीं बोलता और छुप के वहीं बैठा रहता है। तभी शिवानी अचानक से उड़ के उसी जगह ऊपर चिपक जाती है और गुफा की छत पे उल्टा चलने लगती है। तो तू यहाँ छुपा बैठा है, आखिर मिल ही क्या, अब कैसे बचेगा तू। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो मुझे, नहीं मुझे मत मारो। बदला चाहिए मुझे। बदला, कैसा बदला। मैं खूनी आत्मा हूँ, बहुत सालों पहले मेरी भी नई नई शादी हुई थी, पर मेरे पति ने सिर्फ पैसों की लालच में मुझसे शादी रचाई थी। शादी के बाद सारे पैसे गहने मिलने के बाद वो मुझे ये हनीमून के बहाने शिमला लाया। मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं हटी थी कि उसने मुझे चाल से मार दिया और इसी गुफा में मेरी लाश सड़ने के लिए छोड़ दिया। शिवानी नई नवेली दुल्हन थी और मुझे नई नवेली दुल्हन की खुशबू आ जाती है। शिवानी जब गुफा में आई तब मैंने अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए इंसानी शक्ति में प्रवेश कर लिया। आप शिवानी का शरीर छोड़ दो, उसके बदले में आपको जिस तरह भी मैं मदद कर सकूं मुझे बताओ। मुझे मोक्ष चाहिए जो मुझे अपना बदला लेके ही मिलेगा। मुझे मेरे पति को दर्दनाक मौत देनी है जो मैं इंसानी शरीर के बिना नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अपने पति की फोटो दिखाओ और मुझे एक हफ्ते का समय दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर शिवानी के अंदर प्रवाहित आत्मा अपने सामान के अंदर से अपने पति की फोटो ढूंढ के राजेश को देती है और राजेश उसके पति की तलाश में निकल जाता है। फिर एक हफ्ते बाद राजेश उसके पति को बड़ी मुश्किलों से ढूंढ के उसी गुफा में लेके आता है। उस रात अमावस्या की रात होती है, पूरे आकाश में बादल छाए होते हैं, बिजली कड़कती है, बारिश होने लगती है, तेज हवाएं साए साए करके बहने लगती है। तभी शिवानी के अंदर बसी खूनी आत्मा अपने भयानक रूप में आ जाती है और हाथ के बल गुफा की छत पर उल्टा चलने लगती है। उसके मुंह पे खून लगा होता है। ये कितनी डरावनी रात है। अरे भाई तुम तो कह रहे थे तुम्हें अपना घर बेचना है, पर ये तो कोई गुफा है, ये तुम मुझे कहाँ ले आए, इतनी भयानक आवाजें आ रही हैं यहाँ। बिल्कुल सही जगह आए हो तुम, जरा ऊपर तो देखो। जैसे ही उसका पति ऊपर देखता है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अरे अरे बचाओ कोई, मर गया मैं। अरे ये कौन से जन्म का बदला ले रहे हो मेरे से। तभी वो खूनी आत्मा शिवानी का शरीर छोड़ के अपना असली चेहरा अपने पति को दिखाती है और उसे उस दर्दनाक रात को याद दिलाती है। मुझे माफ कर दो प्रियतम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लालची हो गया था, छोड़ दो मुझे। पर खूनी आत्मा ने उसकी एक न सुनी और वापस
शिवानी के शरीर में प्रवेश करके उसे वहीं बर्फीली पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। उस भयानक डरावनी रात में उस पापी का अंत हो जाता है और होनी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। एक गांव के पास एक हवेली थी। उस हवेली में से रोज रात को घुंघरू की आवाजें आती थी और रात होते होते ये आवाज बहुत तेज हो जाती थी। फिर उस हवेली में से वो चुड़ैल सच संवर कर निकलती और आते जाते लोगों को मार देती थी। गांव वालों, ये मेरा इलाका है, खाली कर दो। बस एक बार वो आ जाए फिर मैं तुम सबसे अपना बदला पूरा करूंगी। अगली रात, भैया ये हवेली से बहुत आवाज आ रही है, लगत है आज फिर चुड़ैल नाच रही है। आज पता नहीं किस बेचारे की जान जाएगी। हाँ सही कहा थो राजा भैया, ना जाने कब हम सब लोगों को मुक्ति मिलेगी इस चुड़ैल से। एक दिन शहर से चार दोस्त राजू, मोहन, श्यामू और जैस्मिन इस जगह के बारे में सुनते हैं। अरे यार सुना है, अपने यहाँ से थोड़ी दूर पर राजनगर गांव में एक हवेली है। सुना है वहाँ पर चुड़ैल का साया है और वहाँ से रात में घुंघरू की आवाजें आती हैं। क्यों ना इस बार एडवेंचर करने वहाँ चलें? कुछ तो गड़बड़ है, मैं अब भी कह रही हूँ वापस चलते हैं। अरे जैस्मिन, इस जमाने में भी कोई भूत प्रेत होता है क्या? अरे कोई गुंडे बदमाश होंगे जो रात में लोगों को लूटने के लिए ऐसा करते होंगे। फिर इस तरह तीनों दोस्त जैस्मिन को भी अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेते हैं। फिर एक रात चारों गांव के लिए एक कार में निकलते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है जो कि लिफ्ट मांग रही होती है। अरे माँ जी कहाँ जा रही हो इतनी रात को सड़क पर अकेले, कहाँ जाना है, चलो छोड़ देता हूँ। बेटा धन्यवाद, आज अगर रात तुम सब ना होते तो मुझे रात इसी जगह पर बितानी पड़ती। मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। तो माँ जी ये जो खबरें आती हैं कि गांव की हवेली में भूत है और वहाँ से घुंघरू की आवाजें आती हैं, क्या ये सच है? सुना तो है बेटा मैंने भी कुछ, लेकिन कभी देखा नहीं। श्यामू तू ठीक कह रहा था, कुछ भी नहीं है। देखा जैस्मिन, अब तो माँ जी भी कह रही है तुम फालतू में ही डर रही हो। तभी वो लोग हवेली के पास पहुँचते हैं और तब तक सुबह भी हो जाती है। बेटा बस गाड़ी यहीं रोक दो, सुबह हो गई है, यहीं पास में है मेरा घर, मैं चली जाऊंगी। अरे इतनी जल्दी ये बुढ़िया कहाँ गायब हो गई? ओ राजू भाई ये फालतू का सस्पेंस मत बनाओ, अरे आसपास जंगल है, कहीं चली गई होगी। तभी एकदम से वही बुढ़िया वहाँ आ जाती है। मुझसे मिलने आए हो? तुम चारों की मौत खींच कर लाई है तुम्हें यहाँ। तभी बुढ़िया चुड़ैल का रूप बदलती है और गायब हो जाती है। उधर राजू कार भगाता हुआ गांव पहुंचता है। अरे वाह क्या बात करत हो गोरी मैडम जी, आपकी थोड़ी क्या पूरी बात सुनेंगे। आप जैसी गोरी तो पूरे गांव में नहीं है। तभी श्यामू गांव वालों से हवेली के बारे में पूछता है। अरे क्या बात करत हो भाई, आप लोग यहाँ से चले जाओ, काहे को हम गांव वालों की जान भी मुश्किल में डालत हो है? अरे भैया भला हमारे यहाँ रहने से आपकी जान को खतरा कैसे हो जाएगा? वैसे भी तो हम उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए ही तो आए हैं कि उस हवेली में ऐसा क्या है। देखो भैया तुम्हें जो करना है करो, लेकिन गांव वालों से कुछ उम्मीद मत रखना। इसके बाद दीनू, राजा और बाकी के गांव वाले वहां से जाने लगते हैं। यार इस गांव के लोग तो बहुत ही डरपोक हैं। कोई बात नहीं चलो चलते हैं, हम अकेले ही।
अरे राजू यार, एक बार उस औरत के बारे में तो पूछो। क्या बात करत हो बाबू साहब, हमारे गांव में कौनो बूढ़ी औरत नहीं है, जो रही वो भगवान के पास मिठाई खा रही है। हमका लगत है आप लोगों को वो चुड़ैल मिल गई थी और उसी ने आपको यहाँ आने के लिए बोला है। हमारी मानो तो आप जल्दी से चले जाओ, नहीं तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसके बाद राजा वहाँ से चला जाता। देखा, मैं कह रही थी ना कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैं अब भी कह रही हूँ वापस चलते हैं। इतनी दूर से हम वापस जाने के लिए आए हैं क्या? अरे कुछ नहीं होगा, चलो आज रात रुकते हैं, कल निकल लेंगे। इस तरह वो चारों हवेली के अंदर चले जाते हैं। अरे वाह, क्या हवेली है यार, मजा आ गया, मैं तो पूरी जिंदगी यहीं रह लूं। लोग क्या क्या बातें बनाते हैं इसके बारे में। हम एक रात और एक दिन के बादशाह हैं। उधर रात में और हवेली के बाहर वही बुढ़िया चुड़ैल बनकर हंसने और नाचने लगती है। आज रात मजा आ जाएगा। मेरे चार शिकार। नींद आ रही है, क्यों ना सोने चलें? चारों जैस्मिन की बात मानकर सोने चले जाते हैं। चुड़ैल अदृश्य होकर उन सबको देख रही होती है। चारों हवेली के एक एक कमरे में चले जाते हैं। क्या बेडरूम है, राजू सही कह रहा था, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, आज तो मजा आ गया। तभी चुड़ैल आ जाती है। सही कहा तुमने जैस्मिन, यहाँ चुड़ैल नहीं, इस महल की मालकिन कड़ी है। क्या क्या देखो देखो, हमें माफ कर दे दो, हमें माफ कर दो, जाने दो प्लीज, हम चले जाएंगे। तू तो एक लड़की है और मैं लड़कियों को नहीं मारती। एक आदमी ने ही मेरी इस हवेली पर कब्जा करने के लिए मुझे धोखे से मारा था, इसलिए अब मैं किसी आदमी को नहीं छोड़ूंगी। और तेरे दोस्तों ने मेरी हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती की है, इनको सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जैस्मिन का रूप ले लेती है और जैस्मिन को बेहोश करके राजू के पास जाती है। अरे जैस्मिन, इतनी रात को क्या हुआ, यहाँ कैसे, और तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? राजू, लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, क्या तुम भी प्यार करते हो मुझसे? क्या बोल रही हो जैस्मिन? तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और राजू को गर्दन से उठा लेती है। बहुत हंसी आ रही है। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू की गर्दन उसके धड़ से अलग कर देती है। उधर जैस्मिन को होश आ जाता है और वो मोहन और शामू के कमरे में जाती है। वहाँ चुड़ैल ने पहले से ही गर्दन से पकड़ कर उन्हें उठा रखा होता है। ये क्या कर रही हो, छोड़ो इन्हें। इन तीनों ने यहाँ आकर गलती की है, मैंने बोला था ना तू यहाँ से चली जा, कहीं मैं तेरी भी जान ना ले लूं। लेकिन तभी जैस्मिन पास में पड़ी लकड़ी से चुड़ैल के हाथ पर वार करती है। चुड़ैल के हाथ से शामू और मोहन छूट कर नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ गाँव वाले भी पहुँच जाते हैं, उनके साथ एक तांत्रिक बाबा भी होते हैं। उनके हाथ में एक लाल रस्सी होती है जो कि हनुमान जी के सिंदूर से डूबी होती है। बाबा मंत्र पढ़ते पढ़ते चुड़ैल को रस्सी से बांध देते हैं। अरे राजा, आप यहाँ कैसे पहुँचे, वो भी इतनी रात को? दरअसल ये सामू भाई हमारा मोबाइल नंबर लिए थे और हमें तांत्रिक बाबा के बारे में बता दिए थे और इन्हें लाने के लिए बोले थे, लेकिन थोड़ा देर हो गया, नहीं तो आपका एक दोस्त और बच जाता। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिंदा तो तब छोड़ेगी चुड़ैल जब तू बचेगी,
ओम पट, ओम पट, ओम पट। फिर तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं और चुड़ैल जल जाती है।